हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मियाओ के। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी टॉपिक है कि कैट घास क्यों खाती है। क्या आपको पता है कि आपकी कैट घास क्यों खाती है? अगर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या फ़ायदे हैं घास खाने से। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कैट घास क्यों खाती है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कैट घास क्यों खाती है और घास खाने से क्या फ़ायदे हैं उसके लिए। अगर आपकी कैट घर से बाहर जाती है तो उसके कहीं ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बाहर घास खाती है, और आप लोगों ने भी कहीं बार देखा भी होगा उसको घास खाते हुए, और कहीं बार या फिर बार बार उसको रोका भी होगा, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है कि घास खाना उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। घास खाना बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कैट्स में। अक्सर 70% ऑफ कैट्स घास खाते हुए पाए जाती है उनकी डेली लाइफ में। तो कहीं ज़्यादा चांसेस है कि आपकी कैट भी घास खाती है। तो क्यों घास खाना फ़ायदेमंद है आपकी कैट्स के लिए? न्यूट्रिशन नोटिफिकेशंस ने बताया है कि अक्सर घास में फॉलिक एसिड पाया जाता है। फॉलिक एसिड जो कैट की ग्रोथ में मदद करता है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है और उसके स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए मदद करता है। और घास में ज़्यादा फाइबर होता है, इसलिए कैट घास खाती है और अपने कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करती है। इंडोर कैट्स का घास खाना बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि घास खाने से उनका स्ट्रेस रिलीव होता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उनको कैट ग्रास प्रोवाइड करें, जो आसानी से आपको ऑनलाइन पे अवेलेबल है, या फिर आप उसको होम फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ उनको घास खाने से मत रोकें, क्योंकि उनको एक्चुअली पता होता है कि घास खाने से उनको क्या फ़ायदे हैं, और जो उनके पेट में वॉर्म्स होते हैं वो भी अक्सर घास से मर जाते हैं। और आप ये ख्याल रखें कि जब भी आपकी कैट घर से बाहर जाती है घास खाने के लिए, आप एक से दो दफ़ा उसको चेक कर ले, या कोई स्प्रे लगा है या फिर उसमें कोई दवाई है जो उसको नुकसान दे सकती है खाने से, या फिर आपकी कैट एक प्योर होम पेट है जो घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाती, तो आप उसको सेफ ग्रास प्रोवाइड कर सकती हो। सेफ ग्रास आपको आसानी से ऑनलाइन पर अवेलेबल है, या फिर आप होम फार्मिंग भी कर सकते हो। होम फार्मिंग करना एक बिल्कुल आसान चीज़ है, जैसे कि आप वीट ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, या फिर बार्ले ले सकते हो ग्रास ग्रो करने के लिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी अगली वीडियो होम फार्मिंग पर हो, ताकि आपकी कैट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हो। और मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ज़्यादा सिंपल मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, जैसे कि आप आसानी से होम फार्मिंग कैट ग्रास के लिए कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए शब्बा खैर, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।